देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। जनरल रावत की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, जनरल बिपिन रावत एक शानदार सैनिक थे, सच्चे देशभक्त जिन्होंने देश के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनका दृष्टिकोण अतुलनीय था। उनके नहीं रहने से मैं बहुत दुखी हूँ। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। 31 दिसंबर 2016 को जब जनरल बिपिन रावत को थल सेना की कमान सौंपी गई, तभी पता चल गया था कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। जनरल रावत का थल सेना प्रमुख बनना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। उन्हें सेना की कमान उनके 2 सीनियर अधिकारियों की वरिष्ठता की उपेक्षा कर दी गई थी। अगर पारंपरिक प्रक्रिया से सेना प्रमुख बनाया जाता तो वरिष्ठता के आधार पर तब ईस्टर्न कमांड के प्रमुख जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिण कमांड के प्रमुख पी मोहम्मद अली हारिस की बारी आती। लेकिन मोदी सरकार ने वरिष्ठता की जगह इन दोनों के जूनियर जनरल रावत को पसंद किया। तब कई विशेषज्ञों ने कहा था कि जनरल रावत भारत की सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। तब भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं: सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगाना, पश्चिमी छोर से छद्म युद्ध को रोकना और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों पर लगाम लगाना। तब जनरल रावत के बारे में कहा गया था कि पिछले 3 दशकों से टकराव वाले क्षेत्र में सेना के सफल ऑपरेशन चलाने का उनके पास सबसे उम्दा अनुभव है। जनरल रावत के पास उग्रवाद और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की चुनौतियों से निपटने का भी 1 दशक का अनुभव था। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को काबू में करने और म्यांमार में विद्रोहियों के कैंपों को खत्म कराने में भी जनरल रावत की अहम भूमिका मानी जाती है। 1986 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब जनरल रावत सरहद पर एक बटालियन के कर्नल कमांडिंग थे। बताया जाता है कि जनरल रावत के करियर के इस अनुभव से पीएम मोदी प्रभावित थे और उन्हें सेना की कमान सौंपने में वरिष्ठता की परवाह नहीं की। हालांकि भारतीय सेना का प्रमुख बनाने में वरिष्ठता की उपेक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच अच्छे समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की घोषणा की थी। भारत में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS पद की व्यवस्था की गई और वो मिली जनरल बिपिन रावत को। जनरल रावत जब सेना प्रमुख बने तो कुछ ही महीनों में चीन के साथ डोकलाम में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। डोकलाम भूटान में है और वहां चीन सैन्य ठिकाने बना रहा था। भारत ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी और कहा गया कि यह सेना प्रमुख जनरल रावत की आक्रामक सैन्य नीति का हिस्सा है। जनरल रावत ने डोकलाम संकट के दौरान ही कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों से युद्ध के लिए तैयार है। यहाँ 2.5 मोर्चे से मतलब चीन, पाकिस्तान और भारत के भीतर विद्रोही समूहों से था। पीएम मोदी जनरल रावत पर इतना भरोसा क्यों करते थे? ये पूछे जाने पर विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं, पीएम मोदी के भरोसा करने की एक बड़ी वजह वैचारिक करीबी भी हो सकती है। जनरल रावत लगातार राजनीतिक बयान देते थे और उन बयानों में जो सोच होती थी वो BJP के करीब दिखती थी। इसके अलावा जनरल रावत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के भी करीबी थे। अजीत डोभाल को पीएम मोदी काफी तवज्जो देते हैं। 2016 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक में भी जनरल रावत की अहम भूमिका मानी जाती है। जनरल बिपिन रावत ने 26 दिसंबर 2019 को कहा था कि नेता वो होते हैं जो सही दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे शहरों में हिंसा और आगजनी बढ़ रही है। नेतृत्व ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल रावत के इस बयान पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। राहुल बेदी कहते हैं कि जनरल रावत के बयान तभी थमे होंगे जब सरकार की तरफ से उन्हें ऐसा बंद करने के लिए कहा गया होगा। जनरल रावत चीन को लेकर भी खुलकर बोलते थे। हाल ही में जनरल रावत ने कहा था कि भारत के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन खतरा है। कई बार सरकार को जनरल रावत के बयान के कारण राजनयिक रिश्तों में असहजता का भी सामना करना पड़ा। अभी चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति को बदल दिया है और ये जनरल रावत के CDS रहते हुआ कई ऐसी चीजें हैं जो अगले CDS के लिए बड़ी चुनौती होंगी।